हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के? बेटा अगर हम लोग बात करें, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके सीए इंटर ग्रुप 2 का पेपर नंबर 7 पार्ट बी। अगर हम लोग बात करें बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके सीए इंटर का बेटा ग्रुप 2 का पेपर नंबर 7 पार्ट बी। अगर मैं बात करूं सर, पेपर नंबर 7 का नाम है EISSM और पेपर नंबर 7 पार्ट बी जो है, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो पूरा का पूरा पेपर है, दैट इज पेपर नंबर 7, ये पूरा का पूरा पेपर है बेटा EISSM, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें बेटा पार्ट ए EIS है जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट बी बेटा SM है, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कंप्लीट जो पूरा पेपर है दैट इज ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें से 50 नंबर का आपका EIS का पोर्शन है और आपका 50 नंबर का बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पोर्शन है। ये आपको ऑलरेडी पता है, जब मैंने EIS पढ़ाया था उस टाइम पे भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। अगर हम लोग बात करें बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो वेटेज है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो वेटेज है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स। ठीक, अब सर इस 50 मार्क्स में से बेटा 15 मार्क्स के आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो आपको ऑलरेडी पता भी है। ठीक है, जस्ट मैं बेसिक आपको बता रहा हूं कुछ, और रेस्ट आपका क्या बचा बेटा 35 मार्क्स। रेस्ट 35 मार्क्स के जो बेटा क्वेश्चन है वो आएंगे बेटा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। अगर हम लोग बात करें बेटा, सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे EIS में है, EIS का जो वेटेज है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स, जिसमें से बेटा 15 नंबर के MCQ आएंगे EIS से और 35 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे EIS से। सेम इज द केस फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। SM भी 50 मार्क्स का है बेटा, SM में से 50 में से 15 मार्क्स के आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड रेस्ट 35 मार्क्स का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा। ठीक, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब सर एक चीज याद रखना, ये जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो SM में है बेटा, SM में MCQ बेस्ड क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में बहुत सारे पूछे जाते हैं। मींस SM में MCQ बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा बेटा MCQ बेस्ड क्वेश्चन में वो कौन बनेगा करोड़पति टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें बेटा एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके क्या होंगे बेटा 4 ऑप्शंस होंगे, उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन क्या करना है बेटा, सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, पिछले कुछ अटेम्प्ट से देखा गया है कि SM में जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है उसमें ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, कंपेयर टू कौन बनेगा करोड़पति, इसका यह मतलब नहीं है कि सर 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन बेटा ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हैं MCQ में, SM में MCQ बेस्ड कंपेयर टू 4 ऑप्शंस। क्लियर है सर? अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप की बात करते हैं सर। सर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके SM में बेटा, 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके SM के अंदर, एज वेल एज बेटा एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। अब सर ये जो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आता है बेटा केस बेस्ड का मतलब है सर आपके SM के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का बेटा केस स्टडी बेस्ड आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हर अटेम्प्ट में आ रहा है। अब एक चीज वापस बोल रहा हूं सर, जैसे मैंने आपको EIS में बोला था, अगर हम लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं एज वेल एज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं,
तो बेटा हमारा पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। वही बात मैंने आपको EIS में भी बताई थी, वही बात मैं आपको SM में भी बता रहा हूं। दैट इज हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हम रट्टाफिकेशन पे नहीं जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप इजिली MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, एज वेल एज ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं SM के अंदर, इनको भी आप आसानी से क्या कर पाओगे बेटा, सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है सर? ये कुछ बेसिक चीजें हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब सर अगर मैं बात करूं, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बेटा जिन्होंने जिन्होंने मेरे से फर्स्ट टाइम परचेस किया है, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो स्टूडेंट मेरे से ऑलरेडी EIS पढ़ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट परचेस किया है मेरे से, उनको मैं एक छोटा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं बेटा। My name is Saurav Vig. That is, my name is Saurav Vig. I have completed MCA, Masters in Computer Application in 2005. ठीक है? Presently, I am taking classes in Delhi, Lakshminagar as well as Meerut. अब इसके साथ मैंने अभी recently start किया बेटा चंडीगढ़ में भी अपनी classes. अब ये lockdown की वजह से बेटा video classes पे आना पड़ गया सब faculties को, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग बात करें जैसी फेस टू फेस क्लासेस रिज्यूम होंगी, स्टार्ट होंगी, मेरी तीन जगह क्लासेस चलती हैं फेस टू फेस। वन इज दिल्ली लक्ष्मीनगर, वन इज मेरठ, मेरठ एक जगह है बेटा, ठीक, एज वेल एज चंडीगढ़ भी मेरा स्टार्ट हो चुका है फेस टू फेस क्लासेस। अगर हम लोग बात करें सर अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर, एक चीज याद रखना, मैं आपको क्लास के अंदर सारी कंप्लीट क्या कराऊंगा बेटा, नोटिंग कराऊंगा। मैंने EIS के अंदर भी कंप्लीट नोटिंग कराई है आपको, एज वेल एज SM के अंदर भी बेटा मैं कंप्लीट नोटिंग कराऊंगा। इसके लिए बेटा आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? नोटिंग करने के लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और अपने साथ बेटा एक हाईलाइटर रखना पड़ेगा। हाईलाइटर नहीं है तो बेटा दूसरे कलर का कोई पेन रख लो, दैट इज ब्लू कलर के पेन से अगर नोटिंग कर रहे हो तो किसी दूसरे कलर के पेन को अपने साथ रख लो। जब मैं नोटिंग कराऊंगा तो मैं कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको बेटा अंडरलाइन कराऊंगा, आपको उन कीवर्ड्स को दिमाग में रखना है। रीजन बीइंग आपके इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूट बेटा आपको मार्क्स तभी देगा जब आप वो कीवर्ड्स लिखोगे अपने आंसर्स में, ठीक है? जब हम लोग बेटा पढ़ेंगे, नोटिंग कराऊंगा तो नोटिंग कराते टाइम मैं आपको कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको क्या कराऊंगा बेटा, हाईलाइट कराऊंगा। व्हाइल राइटिंग आंसर इन योर एग्जाम You have to write these keywords. बिना keywords के, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, बिना keywords के आपको बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है सर? तो अपने एक नोटबुक मेंटेन करिएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, उस नोटबुक में आप नोटिंग करोगे। और एक बात याद रखना सर, ये जो मैं नोटिंग आपको करवा रहा हूं सर, ये नोटिंग मैं आपके स्टडी मॉड्यूल को बेस मान के कराऊंगा। बिकॉज एक चीज याद रखना सर, आपका इंस्टीट्यूट मुझे नहीं पहचानता, आपका इंस्टीट्यूट आपको नहीं पहचानता, आपके इंस्टीट्यूट को सिर्फ एक चीज से मतलब है, अपने स्टडी मॉड्यूल से। इसका मतलब सर अगर मैं बात करूं, आपके स्टडी मॉड्यूल से ही पूरा का पूरा पेपर आता है। अब एक फैक्ट और बता रहा हूं मैं, हम क्या करेंगे क्लास के अंदर सर, चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके स्टडी मॉड्यूल के पीछे जितने भी MCQ गिवन है, हर चैप्टर के पीछे MCQ है, आपके चैप्टर कंप्लीट होने के बाद स्टडी मॉड्यूल के चैप्टर के बैक में MCQ जितने भी गिवन होंगे हम क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी चीज, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हर चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा। क्लियर है सर? आप टेस्ट दोगे तो आपको चीजें क्या होंगी बेटा, याद हो जाएंगी, रिटेन हो जाएंगी। तो एक चीज याद रखना सर, चैप्टर के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, सपोज करो चैप्टर वन जो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, वो कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद उसके जितने भी MCQ हैं वो सारे के सारे MCQ हम क्लास में सॉल्व करेंगे। एज वेल एज चैप्टर वन कंप्लीट होने के बाद मैं उस चैप्टर का आपका क्या लूंगा बेटा, टेस्ट लूंगा। आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए, क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट के बहाने एटलीस्ट आप लोग पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद आप जब टेस्ट दोगे तो आप राइटिंग करोगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्लियर है सर, ये कुछ बेसिक चीजें स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक, चलिए देखते हैं सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है शॉर्ट फॉर्म दैट इज SM, सर ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है ये हमारे CA के सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। अभी मैं स्टार्ट कुछ नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके CA के सिलेबस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, व्हाट इज द रीजन कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। सर एक चीज याद रखना, सर एक सबसे बड़ी चीज, सीए बनने के बाद बेटा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं जॉब, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट बेटा सीए बनने के बाद करते हैं बेटा अपना फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं, ये जनरली देखा गया है, ठीक है। दैट इज सीए बनने के बाद या तो आप जॉब करोगे बेटा या अपना कोई फैमिली बिजनेस है उस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करोगे या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, लाइक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे अपनी। अब सर एक चीज, अगर सीए बनने के बाद आप जॉब करते हो तो एक चीज समझो सर, जॉब में ना सीए स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाता है एमबीए के साथ। सर मैं एमबीए की बात कर रहा हूं, उन एमबीए को के साथ कंपेयर किया जाता है जो बेटा आईएम्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पास आउट होते हैं। सर कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई है कंपनीज में, सीएस को कंपेयर किया जाता है एमबीएस के साथ। सर क्यों कंपेयर किया जाता है, देखो बेटा आप लोग सीए बनने के बाद बहुत बेटर क्या करते हो, रिपोर्टिंग करते हो, दैट इज सीए बनने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, ईच एंड एवरी कंप्लायंस को फॉलो करके आप लोग परफेक्ट क्या बनाते हो बेटा, रिपोर्ट बनाते हो। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, आप रिपोर्ट तो बहुत अच्छी बनाते हो ईच एंड एवरी कंप्लायंस को फॉलो करके, लेकिन बेटा जब वो रिपोर्ट को प्रेजेंट करने की बारी आती है ना, प्रेजेंट मतलब आपने रिपोर्ट बना दी लेकिन जब टॉप मैनेजमेंट के सामने उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने की बारी आती है तो बेटा वहां पे सीए क्या करते थे बेटा, लैक करते थे। ठीक, इसका मतलब सर रिपोर्ट तो आपने बनाई लेकिन रिपोर्ट बनाने के बाद जब उस रिपोर्ट को टॉप मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करने की बारी आई तो बेटा वो रिपोर्ट आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, आप लोग लैक करते थे रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में। तो वो रिपोर्ट को बेटा कंपनीज क्या करती है, जो रिपोर्ट आपने बनाई उन रिपोर्ट्स को बेटा वो एमबीएस को देती थी और एमबीए उन रिपोर्ट्स को टॉप मैनेजमेंट के सामने क्या करता था बेटा, प्रेजेंट करता था, जिसकी वजह से बेटा एमबीए सारा का सारा क्या ले जाता था, क्रेडिट ले जाता था। आप खुद सोचो ना बेटा, एक रिपोर्ट आपने इतनी मेहनत करके बनाई कंपनी की, ठीक है, ईच एंड एवरी कंप्लायंस को फॉलो करके आपने रिपोर्टिंग करी लेकिन जब रिपोर्ट को प्रेजेंट करने की बारी आई तो वो रिपोर्ट एमबीए को दे दी जाती थी और एमबीए उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करता था टॉप मैनेजमेंट के सामने, तो टॉप मैनेजमेंट की नजरों में कहीं ना कहीं एमबीए ज्यादा क्रेडिट ले जाता था कंपेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं ना कहीं बेटा प्रेजेंटेशन में लैक करता है। इस चीज को दिमाग में रखा गया और इस चीज को दिमाग में रखने के बाद आपके सीए के करिकुलम में बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये सब्जेक्ट बेटा आपको क्या सिखाएगा, ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा हाउ टू प्रेजेंट रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जो आप लैक कर रहे थे ना बेटा, जहां आप लैक कर रहे थे, इस चीज को दिमाग में रख के आपके सीए के करिकुलम में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज द फर्स्ट रीजन जो आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो अगर आपसे कोई पूछता है सर कि आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, इसका पहला रीजन, अगर आप जॉब करोगे तो ये सब्जेक्ट की हेल्प से आप रिपोर्ट जो बना रहे हो ये सब्जेक्ट आपको बताएगा हाउ टू प्रेजेंट दैट रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये चीज बहुत ज्यादा चलती है बेटा जब आप कंपनीज में जाके जॉब करोगे, आप दिखेगा आपको ये चीज, ठीक है। अब ऐसे समझ लो जो स्टूडेंट सीए नहीं कर पाता वो एमबीए करता है,
कहीं ना कहीं बेटा सीए नहीं करता कोई स्टूडेंट, तो बेटा वो एमबीए करता है। इसका मतलब कुछ इसी तरीके से आप ऐसे समझ लो। लेकिन बेटा यहाँ पे मैं उन एमबीएस की बात कर रहा हूँ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पास आउट है। बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता था सीएस को एमबीएस के साथ, ठीक है। अब पहला रीजन, अगर आप जॉब कर रहे हो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको क्या सिखाएगा, हाउ टू प्रेजेंट दैट रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जहां पे आप लैग कर रहे थे आपके इंस्टीट्यूट ने उस चीज को दिमाग में रख के ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक। सेकेंड आते हैं सर अब मैं तो जॉब नहीं कर रहा, मैं तो अपना कोई फैमिली बिजनेस है जिसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है बेटा। तो ये सब्जेक्ट एक चीज और सिखाएगा, ये सब्जेक्ट सिखाएगा कि किस तरीके से बिजनेस को करा जाए, बिजनेस को किस तरीके से करा जाए। सर करा जाए का मतलब क्या हुआ, हमारे तो फैमिली बिजनेस है, हमारा तो फैमिली बिजनेस है सर, हमारे फादर ग्रैंडफादर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। बेटा सही बात है, ये सब्जेक्ट क्या कहेगा, सर जितना टाइम आपके फादर ग्रैंडफादर ने अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाया, ये सब्जेक्ट आपको बताएगा कि कितने कम समय में, दैट इज ये सब्जेक्ट आपको बताएगा व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका मतलब सर व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका मतलब है सर जितना टाइम आपके फादर आपके ग्रैंडफादर ने बिजनेस को ग्रो करने में लगाया, ठीक, आप उससे कम समय में उससे ज्यादा अपना बिजनेस क्या कर जाओगे, ग्रो कर जाओगे इस सब्जेक्ट की हेल्प से। ये सब्जेक्ट ये नहीं कहता कि सर बिजनेस चेंज करो, ये सब्जेक्ट कहता है कि बिजनेस करने के तरीके को क्या कर दो, चेंज कर दो। एग्जाम्पल सर मैं कह रहा हूं सर मेरा फैमिली बिजनेस है, अभी तक मेरे एक फैमिली बिजनेस है जो अभी तक मैनुअल चलता था, मैनुअल मतलब एक शॉप है, एक गारमेंट्स की शॉप है जिसको मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया, मेरे फादर और ग्रैंडफादर दोनों शॉप को, दैट इज उस गारमेंट शॉप को संभाल रहे हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट कहता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब मेरे दिमाग में आएगा कि सर इस शॉप को, दैट इज ये जो गारमेंट शॉप है, इसको और किस तरीके से ग्रो किया जाए। तो बेटा कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो मैं उस गारमेंट शॉप को ऑनलाइन भी तो जोड़ सकता हूं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं अपने जो गारमेंट की शॉप है, जो भी मैं गारमेंट्स का सामान बेचता हूं बेटा, उसको मैं ऑनलाइन भी तो जोड़ सकता हूं। ऑनलाइन जोड़ूंगा तो मेरा बिजनेस क्या होगा बेटा, एक्सपेंड होगा, ग्रो होगा। तो ये सब्जेक्ट क्या समझाएगा, अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो ये सब्जेक्ट समझाएगा व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, कम समय में अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ दिलवाओ, किस तरीके से कम समय में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो, ये सब्जेक्ट आपको वो भी सिखाएगा। तो देयर आर टू रीजंस कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपके सीए के सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस किया। पहला रीजन है, अगर आप जॉब करते हो तो बेटा ये सब्जेक्ट आपको बताएगा हाउ टू प्रेजेंट रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जहां पे बेटा कहीं ना कहीं एमबीएस क्रेडिट ले जाते थे। अब ये सब्जेक्ट बेटा आप जहां लैक करते थे उस लैकिंग पॉइंट को ये सब्जेक्ट क्या करेगा, रिमूव करेगा। दूसरे बेटा अगर आप बिजनेस करते हो तो ये सब्जेक्ट आपको बताएगा व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, जितना टाइम आपके फादर आपके ग्रैंडफादर ने बिजनेस को ग्रो करने में लगाया, आप उससे कम समय में अपना बिजनेस और क्या कर जाओगे, ग्रो कर जाओगे। दीज आर दी टू रीजंस, जिन रीजंस की वजह से आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ रहे हो, दैट इज ये सब्जेक्ट आपके सीए के करिकुलम में इन दो रीजंस की वजह से क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है सर, ये चीज पता होनी चाहिए, आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये चीज पता होनी चाहिए बेटा। क्लियर है, आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा कि आप सीए, दैट इज आप सीए स्टूडेंट हो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हो। क्लियर है सर, अब स्टार्ट करते हैं सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब सर अगर हम लोग बात करें बेटा आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो सिलेबस है, एसएम का जो बेटा सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं,
आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सिलेबस में बेटा टोटल 8 चैप्टर्स हैं। मैं आपके सामने चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूं बेटा, आप भी कॉपी करिए इन नाम को, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में मैं SM लिख रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। दूसरा बेटा चैप्टर जो आपके सिलेबस में, दैट इज डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटेटिव, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी, दैट इज द सेकेंड चैप्टर। ठीक, थर्ड चैप्टर है बेटा आपके सिलेबस का जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, दिस इज द थर्ड चैप्टर जो आपके स्टडी मॉड्यूल में, मैं ये वो सीक्वेंस में लिख रहा हूं चैप्टर जिस सीक्वेंस में आपके मॉड्यूल में गिवन है। फोर्थ जो चैप्टर है बेटा, फोर्थ चैप्टर है बेटा कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। फिफ्थ चैप्टर जो आपके सिलेबस में है दैट इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। सिक्स्थ चैप्टर जो आपके सिलेबस में दैट इज फंक्शनल, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। सेवेंथ चैप्टर जो आपके सिलेबस में दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। एंड लास्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में दैट इज स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। These are the eight chapters. These are the eight chapters that covers the whole syllabus of your strategic management. Sir, 8 chapter हैं, लेकिन बेटा ज्यादा wide नहीं है chapter, small chapters हैं। अब sir, एक चीज मैंने आपके सामने जो chapters के नाम लिखे हैं बेटा, ये वही sequence में लिखे हैं जिस sequence में आपके study module में given है। अब एक चीज याद रखना sir, class में पहले मैं आपको समझा रहा हूं, बाद में नोटिंग करना बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लास के अंदर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। मैं इसलिए समझा रहा हूं बेटा, कहीं ना कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, इसलिए पहली क्लास पे बता रहा हूं। तीसरा चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम लोग बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेवेंथ नंबर में स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, और लास्ट में पढ़ेंगे बेटा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सर कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो बेटा एक बात बता देता हूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है ये थर्ड चैप्टर जो बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, अभी तक के हिसाब से इस चैप्टर से 2 या मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाए गए हैं। दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा जो इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे बाकी सारे चैप्टर के अंदर आप वो चीज कवर कर जाओगे। आपके मॉड्यूल ने क्या कर दिया, बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर कुछ टर्म्स आएंगी, जब आप वो कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका थर्ड चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सर चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों? क्योंकि हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैं जस्ट आपको यह बता रहा हूं कि सर कौन सा चैप्टर
कौन से चैप्टर से कम मार्क्स का पूछा गया है। अभी तक जो देखा गया दैट इज थर्ड जो चैप्टर आपके सामने लिखा है जो हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। इस थर्ड चैप्टर में मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था एक अटेम्प्ट में, अदरवाइज 2 नंबर के क्वेश्चन से ऊपर इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। क्लियर है सर? फटाफट आप लोग सिलेबस को कॉपी करो, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जल्दी से सिलेबस कॉपी करो बेटा। एक चीज बेटा, जितना ज्यादा लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, हाथ के हाथ आपके नोट्स भी बनते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग जब एग्जाम में अपने हैंड रिटन नोट्स को क्या करोगे, पढ़ोगे, तो आपको चीजें क्या होंगी, रिटेन हो जाएंगी। क्लियर है सर? जल्दी से बेटा नोटिंग करो कंप्लीट। कंप्लीट करो फटाफट नोटिंग, दैट इज यस, कंप्लीट करो, लिखो फटाफट। फिर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। और अगर आपको किसी को लगता है कि थोड़ा सा किसी की स्पीड स्लो है लिखने की, तो आप स्क्रीन को पॉज करके भी कॉपी कर सकते हो बेटा। स्क्रीन को आप पॉज कीजिएगा, कॉपी कर लेना अगर आपको लगता है कि दैट इज आपकी स्पीड लिखने की स्लो है। ये मैंने आपके सामने जो लिखे हैं ये सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने पहली क्लास में इसलिए समझा दिया बेटा, बाद में कंफ्यूजन ना हो कि सर सेकंड चैप्टर तो आपने पढ़ाया कॉर्पोरेट लेवल है क्लास में, लेकिन मॉड्यूल में तो सेकंड चैप्टर डायनेमिक्स है। बेटा कहीं ना कहीं कुछ लिंकेज है चैप्टर्स का जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। मैंने ये आपके सामने रेड कलर में लिखा है आगे वो सीक्वेंस, ठीक। फटाफट जल्दी से इन चैप्टर्स के नाम को कॉपी करिए बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको इंटरेस्ट से पढ़िए, समझ के पढ़िए, बहुत इजीली मार्क्स बढ़िया आप ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे आपको मैंने EIS पढ़ाया था, दैट इज कुछ स्टूडेंट्स मेरे से EIS ऑलरेडी ले चुके हैं जो इस टाइम पे SMB पढ़ रहे हैं मेरे से। जैसे आपने EIS पढ़ा है बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैं SM पढ़ाऊंगा। कुछ स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने मेरे से अभी SM परचेस किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर उन स्टूडेंट्स को, मैं आपको बता देता हूं सर, अभी हम पढ़ेंगे जब चैप्टर नंबर 1, तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से हम लोग बेटा पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा स्मॉल होगा, लेकिन आगे के लेक्चर्स के ड्यूरेशन क्या हो जाएंगे बेटा, थोड़े से मैं इंक्रीज कर दूंगा। जस्ट आज फर्स्ट क्लास है तो इसलिए बेटा ड्यूरेशन थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आगे के लेक्चर्स की ड्यूरेशन ये मान के चलिए राउंड अबाउट 2 आवर्स का लेक्चर होगा आगे के सारे लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर है तो जस्ट ओनली फॉर इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं आज का लेक्चर थोड़ा सा कम ड्यूरेशन का रख रहा हूं, लेकिन आगे के सारे लेक्चर्स के ड्यूरेशन 2 आवर्स होंगे, ठीक। कम से कम 25 to 28 लेक्चर्स हैं, कंप्लीट करेंगे सिलेबस। 25 to 28 लेक्चर्स लगेंगे हमें सिलेबस को कंप्लीट करने में। क्लियर है सर? हो गया कॉपी? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर चैप्टर नंबर वन का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं उसका एक चार्ट बना रहा हूं, ठीक। सबसे पहली चीज, जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले हम उस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसका एक चार्ट बनाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको उस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हमें पढ़ना है सर कुछ हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का शुरुआत कहां से हुई थी, दैट इज कुछ हिस्ट्री पढ़नी है। ये हिस्ट्री इसलिए पढ़नी है बेटा, कहीं ना कहीं इस पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में गिवन है, तो हमें हर चीज कवर करनी है। सेकेंड कॉन्सेप्ट बेटा हमें पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड हमें इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। फोर्थ इसी के अंदर हमें एक चीज और पढ़ना है, दैट इज स्ट्रेटेजी
is partially proactive and partially reactive. जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं. पहला हमें पढ़ना है कुछ शुरुआत कहां से हुई थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, कुछ हिस्ट्री. दूसरा बेटा हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, चौथा स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव. ये कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है. नेक्स्ट इसके बाद हमें पढ़ना है सर इसी के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन. सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हमें फर्दर, नीचे बना रहा हूं देखो चार्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर फर्दर हमें तीन चीजें पढ़नी है. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज वेल एज लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. और एक लास्ट कॉन्सेप्ट और पढ़ना है सर, स्ट्रेटेजी फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज दीज आर दी टॉपिक्स जो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर है. कितने टॉपिक है देखो बेटा, पहला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी हिस्ट्री, दूसरा बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, चौथा बेटा स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव, पांचवा बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बेटा ये छोटा सा चैप्टर है जिसमें टोटल 6 सब टॉपिक हैं, और इस चैप्टर का वेटेज बता रहा हूं बेटा जो अभी पास्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग देखा गया है. बेटा 6 से लेकर 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस छोटे से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं. हर अटेम्प्ट में बेटा 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा ही रहे हैं. ठीक, इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, ये स्ट्रेटेजीज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. दूसरा बेटा स्ट्रेटेजी फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक, नेक्स्ट बात करो, नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मैं जिस पे इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं इसका मतलब खाली यही पढ़ के नहीं जाना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहीं ना कहीं बेटा बाकी सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पास्ट अटेम्प्ट में. ये वो टॉपिक है जिनमें से अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया. एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूछा जा चुका है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पूछी जा चुकी है, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं पूछा अभी तक, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये नहीं पूछा, स्ट्रेटेजीज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव इस पे अभी तक एक ही बार क्वेश्चन आया था, वो भी एक नंबर का एमसीक्यू बेस्ड था. तो अगर बात करूं सर ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग सब कुछ कवर करेंगे. जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं इसका ये मतलब नहीं है कि खाली यही पढ़ के जाना है. क्लियर है, छोटा सा चैप्टर है सर, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, आप जल्दी से इस चार्ट को ड्रॉ कीजिए फटाफट, जल्दी से बेटा इस चार्ट को ड्रॉ कीजिए फटाफट, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले देखते हैं कि सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी, दैट इज हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज सेकेंड कॉन्सेप्ट. थर्ड कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी. फोर्थ वन इज स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव. फिफ्थ वन इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में SM लिख दिया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तीन चीजें पढ़नी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डिसएडवांटेजेस, दैट इज लिमिटेशंस, एंड लास्ट इज स्ट्रेटेजी फॉर गवर्नमेंट
दिख रही है, स्ट्रेटजी फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटजी फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द सिक्स कॉन्सेप्ट अंडर योर चैप्टर नंबर वन. हो गया. स्ट्रैटेजी फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर वन, दैट इज इंट्रोडक्शन. इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जितने भी इसके एमसीक्यू हैं आपके मॉड्यूल में वो भी सॉल्व करेंगे, और कुछ एमसीक्यूज मैं भी आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराऊंगा. ठीक, आपको एक बुक भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं, दैट इज आपको एक बुक मिल जाएगी. बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं, जस्ट फॉर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है कि सर हमें बुक नहीं मिली, तो मैं आपको एक बुक प्रोवाइड कराऊंगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की. दूसरा वीडियो में एक आपको एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की. लेकिन एक बात याद रखना, क्लास के अंदर हम उससे ज्यादा कवर कर जाएंगे. क्लियर है सर? चलिए स्टार्ट करते हैं सर हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से. सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से हुई, देखो जरा ध्यान से, पहले आप इसको समझो, इसके बाद मैं आपको इसको अपडेट करवाऊंगा. हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. सर शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शुरुआत हुई थी, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की शुरुआत कहां से हुई थी? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से. 1908 में बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर क्या करा गया, एक इंट्रैक्टिव केस स्टडीज दी जाती थी अपने स्टूडेंट्स को. दैट इज वो स्टूडेंट्स जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ते थे, उन स्टूडेंट्स को बेटा केस स्टडीज दी जाती थी. उस टाइम कोई सब्जेक्ट नहीं था. ये 1908 में बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जो भी स्टूडेंट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ रहे हैं उनको बेटा कुछ केस स्टडीज दी जाती थी. स्टूडेंट्स को केस स्टडीज दी जाती थी सॉल्व करने के लिए. ठीक है, दैट इज 1908 में केस स्टडीज दी जाती थी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अपने स्टूडेंट्स को देता था. उसके बाद बेटा 1911 के अंदर बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने क्या करा, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने क्या करा बेटा 1911 में एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया अपने स्टूडेंट्स के लिए. और उस सब्जेक्ट का नाम क्या दिया बेटा, बिजनेस पॉलिसी. इसका मतलब सर, इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत हुई थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से. 1908 में बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अपने स्टूडेंट्स को केस स्टडीज देता था सॉल्व करने के लिए. 1911 में बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने क्या करा, एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा, इंटीग्रेटेड कोर्स लिख रहा हूं. इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा अपने स्टूडेंट्स के लिए. उस सब्जेक्ट का नाम क्या दिया उसने, बिजनेस पॉलिसी. ठीक है, उसके बाद 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने क्या करा, ये जो बिजनेस पॉलिसी वाला सब्जेक्ट था इसको क्या कर दिया बेटा, मैंडेटरी कर दिया हर मैनेजमेंट कॉलेज के लिए. ये जो बिजनेस पॉलिसी वाला सब्जेक्ट है इसको मैंडेटरी कर दिया किसने, अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने. एक्चुअल में ये क्या है बेटा, एक रेगुलेटरी बॉडी है
हर मैनेजमेंट कॉलेज के लिए। तो इस रेगुलेटरी बॉडी ने 1969 में बेटा बिजनेस पॉलिसी वाला सब्जेक्ट हर मैनेजमेंट कॉलेज के लिए क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। और ये बिजनेस पॉलिसी वाला जो सब्जेक्ट है जिसको बेटा हर मैनेजमेंट कॉलेज के लिए मैंडेटरी किया था अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने, यही सब्जेक्ट फ्यूचर में जाके क्या कहलाने लग गया बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसका मतलब सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है, ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है इसका पहले नाम क्या था बेटा, बिजनेस पॉलिसी। और ये जो सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट किसने लॉन्च किया था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने 1911 में अपने स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने इस बिजनेस पॉलिसी को मैंडेटरी कर दिया हर मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए। मींस हर मैनेजमेंट कॉलेज को अब अपने सिलेबस के अंदर इस सब्जेक्ट को क्या करना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा 1969 में। आफ्टर फ्यू डिकेड्स ये बिजनेस पॉलिसी जो था सब्जेक्ट, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दिस इज व्हाट द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर एक बात याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत कौन से ईयर में हुई, 1911 में शुरुआत हुई क्योंकि सब्जेक्ट 1911 में बनाया था बिजनेस पॉलिसी, 1908 में कोई सब्जेक्ट नहीं था। 1908 में तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल सिर्फ केस स्टडीज देता था अपने स्टूडेंट्स को सॉल्व करने को। और उसके बाद 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने क्या करा, एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा अपने स्टूडेंट्स के लिए और उस सब्जेक्ट का नाम पड़ा बेटा बिजनेस पॉलिसी। फिर 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये कौन है बेटा, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हर मैनेजमेंट कॉलेजेस को क्या करती है, रेगुलेट करती है। 1969 में इस रेगुलेटरी बॉडी ने बिजनेस पॉलिसी जो सब्जेक्ट था उसको मैंडेटरी कर दिया हर मैनेजमेंट कॉलेज के लिए। मींस अब हर मैनेजमेंट कॉलेज को क्या करना पड़ा, अपने सिलेबस के अंदर बिजनेस पॉलिसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और लेटर ऑन बिजनेस पॉलिसी का नाम चेंज होके क्या पड़ गया बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन आ सकता है कहां से शुरुआत हुई थी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, कौन से ईयर में शुरुआत हुई थी, 1911 में, सब्जेक्ट तो 1911 में हुआ था ना, तो शुरुआत हुई थी 1911 में, लेकिन केस स्टडीज कब से स्टार्ट चल रही थी, 1908 में। और उसके बाद बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पहले नाम क्या था, बिजनेस पॉलिसी। लेटर ऑन बिजनेस पॉलिसी को चेंज करके क्या कर दिया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर दिया। क्लियर है सर, दिस इज व्हाट द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये हिस्ट्री मैंने बेटा आपको इसलिए समझाई है बिकॉज बेटा इस पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आए भी हुए हैं बेटा पास्ट अटेम्प्ट में। तो जल्दी से एक काम करो, अपडेट कर लो बेटा, फिलहाल के लिए जो मैंने आपको समझाया है इसी को अपडेट करना है, आपको ईयर याद रखने पड़ेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालो बेटा हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिखो डैश डाल के। इन 1911, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस, देखो ये लाइन, In 1911, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस एन इंटीग्रेटेड कोर्स, ब्रैकेट में लिख लो सब्जेक्ट, इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब सब्जेक्ट। In 1911, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस एन इंटीग्रेटेड कोर्स, ब्रैकेट में लिखो सब्जेक्ट। In 1911, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस एन इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर हिज ओन स्टूडेंट्स। In 1911, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस एन इंटीग्रेटेड कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब सब्जेक्ट, फॉर हिज ओन स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। दिस कोर्स वॉज बेस्ड ऑन, देख लो इस कोर्स के अंदर केस स्टडीज थी
जो 1908 में वो केस स्टडी देता था ना हर स्टूडेंट को, अब उसने केस स्टडी की तरीके का सब्जेक्ट बना के अपने स्टूडेंट के लिए क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस किया। तो यही लाइन लिखनी है, दिस कोर्स वॉज बेस्ड ऑन इंट्रैक्टिव केस स्टडीज। पहली लाइन लिखिए, इन 1911 हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस एन इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर हिज ओन स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। दिस कोर्स वॉज बेस्ड ऑन इंट्रैक्टिव केस स्टडीज विच हैज बीन यूज्ड, दिस कोर्स वॉज बेस्ड ऑन इंट्रैक्टिव केस स्टडीज विच हैज बीन यूज्ड एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल सिंस 1908। दिस कोर्स वॉज बेस्ड ऑन इंट्रैक्टिव केस स्टडीज which has been used, this course was based on interactive case studies which has been used at Harvard Business School since 1908। इसका मतलब 1908 में जो केस स्टडीज थी उन केस स्टडीज को दिमाग में रख के 1911 में एक सब्जेक्ट बना दिया, उस सब्जेक्ट का नाम पड़ा बिजनेस पॉलिसी, और वो सब्जेक्ट बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया, और वही सब्जेक्ट फ्यूचर में जाके क्या बन गया बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो दो डेट अंडरलाइन करो इसके अंदर, 1911 और अंडरलाइन इंटीग्रेटेड कोर्स और सब्जेक्ट, 1911 इंटीग्रेटेड कोर्स सब्जेक्ट, 1908 केस स्टडी, 1908 केस स्टडी, क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ, 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, इसने क्या करा, मैंडेटरी कर दिया बिजनेस पॉलिसी सब मैनेजमेंट कॉलेज के लिए, और आफ्टर फ्यू डिकेड्स बिजनेस पॉलिसी का नाम चेंज होकर क्या पड़ गया बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, In 1969, American Assembly of Collegiate School of Business, Collegiate School of Business या Collegiate School of Management, कुछ भी लिख सकते हो। In 1969, American Assembly of Collegiate School of Business, American Assembly of Collegiate School of Business, a regulatory body for business school, means हर management college के लिए ये क्या है, regulatory body है। तो in 1969, American Assembly of Collegiate School of Business, a regulatory body for business schools, बिजनेस स्कूल मतलब मैनेजमेंट कॉलेज, मेड अ कोर्स बिजनेस पॉलिसी जो कोर्स बन गया था, कोर्स मतलब जो सब्जेक्ट बन गया था उसको मैंडेटरी किया। तो ये लाइन लिख रहे हैं, 1969 अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर बिजनेस स्कूल्स मेड अ कोर्स बिजनेस पॉलिसी मैंडेटरी, मेड अ कोर्स बिजनेस पॉलिसी मैंडेटरी फॉर ऑल मैनेजमेंट कॉलेजेस, मेड अ कोर्स बिजनेस पॉलिसी मैंडेटरी फॉर ऑल मैनेजमेंट कॉलेजेस। 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस ने क्या करा, बिजनेस पॉलिसी को मैंडेटरी कर दिया हर मैनेजमेंट कॉलेज के लिए, और ये अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस कौन है, रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस को रेगुलेट करती है, ठीक। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ड्यूरिंग नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स कॉमा बिजनेस पॉलिसी स्प्रेड टू डिफरेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स
अक्रॉस डिफरेंट नेशंस। फिर धीरे धीरे बेटा ये बिजनेस पॉलिसी हर नेशन में, हर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये लिखा है ड्यूरिंग नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स बिजनेस पॉलिसी स्प्रेड टू डिफरेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस डिफरेंट नेशंस and became an integral part of management curriculum। During few decades, business policy spread to different management institutes across different nations and became an integral part of management curriculum। few decades मतलब after few decades बेटा हर management college के लिए, जो हर nations में, हर different nation, हर different country, हर different state में थे, उनके लिए बेटा ये क्या बन गया, mandatory हो गया। तो हर management college ने अब अपने curriculum में business policy subject को क्या कर दिया, mandatory कर दिया। लेकिन अब आपको business policy subject नहीं दिखेगा, बिजनेस पॉलिसी का नाम चेंज होके क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो दिस इज व्हाट द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो याद रखना बेटा एक डेट 1911 और एक डेट 1908। 1908 में सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट तो था 1911 में बना था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने बनाया था। फिर 1969 में ये सब्जेक्ट बेटा हर मैनेजमेंट कॉलेज के लिए क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया। क्लियर है, दिस इज व्हाट द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सर, देखो चार्ट, दिस इज व्हाट द हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री इसलिए समझाइए क्योंकि एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं सर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं सर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट की डेफिनेशन, सर एक बात याद रखना है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, तो एक चीज याद रखना सर, मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। दैट इज, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन, there is no formal definition of management, means किसी भी बुक में मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब सर मैनेजमेंट को सबने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, डिफाइन किया। तो देर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब सर मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी है, मैनेजमेंट एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी का मतलब है सर मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया, डिफाइन किया। मींस अगर मैं बात करूं सर मैनेजमेंट की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है। तो एक लाइन आती है सर, देयर इज नो एक्ट टू डिफाइन मैनेजमेंट। इसका मतलब सर मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन कहीं भी किसी भी बुक में नहीं गिवन। अब मैं आपको जो डेफिनेशन समझा रहा हूं अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया टू सेंसेस में, दो तरीके से। अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया टू सेंसेस, दो तरीके से। पहला तरीका आपके मॉड्यूल ने बोला अकॉर्डिंग टू पर्सन, और दूसरा तरीका आपके मॉड्यूल ने बोला अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। दैट इज, अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई मैनेजमेंट की फॉर्मल डेफिनेशन है, तो सर देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। जब भी मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात आती है, सबने अपने तरीके से मैनेजमेंट को क्या किया, डिफाइन किया। तो मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्टडी मॉड्यूल मैनेजमेंट को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब आते हैं सर अकॉर्डिंग टू पर्सन, किसको बोलेंगे मैनेजमेंट? सर अकॉर्डिंग टू पर्सन एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और एक से ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं सर सिंगल पर्सन है तो उसको बोलेंगे चीफ ऑर्गन, और अगर एक से ज्यादा पर्सन है तो उसको बोलेंगे की ग्रुप। सर अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट में, अगर अकॉर्डिंग टू पर्सन में कैसे कहूंगा कि ये मैनेजमेंट है? एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। सिंगल पर्सन है कंपनी में तो उसको बोलते हैं चीफ ऑर्गन, एक से ज्यादा पर्सन है तो उसको बोलते हैं की ग्रुप। तो याद रखना सर चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। ध्यान से, मींस वो सिंगल पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, उस सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। मींस अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं सारे डिसीजंस लेता हूं तो मेरे को क्या बोला जाएगा बेटा? मैनेजमेंट। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ एक और पर्सन है, हम दो मिलके डिसीजंस लेते हैं तो हम दोनों को क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट। तो वर्ड पे फोकस करो, कंपनी के अंदर एक पर्सन भी हो सकता है जो सारे डिसीजंस ले, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो सारे डिसीजंस ले। अगर एक पर्सन है तो उसको बोलते हैं चीफ ऑर्गन, अगर एक से ज्यादा पर्सन है तो उसको बोलते हैं की ग्रुप। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में सबसे पहले मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट इज अ चीफ ऑर्गन और की ग्रुप who are in charge of its affairs. What is the meaning of in charge of its affair? Who takes organization related decision is known as management. Clear hai sir? Toh word pe focus karo. According to your study module, management is defined into two senses. One is according to person. According to person mein single person ya group of persons. Single person hoga toh chief organ, ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे तो की ग्रुप। चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स का मतलब जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं उनको बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट। क्लियर है सर डेफिनेशन? नेक्स्ट आते हैं सर अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सर अकॉर्डिंग टू फंक्शन, आप ध्यान से, वो सिंगल पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्संस जो फॉलोइंग इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, वो सिंगल पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्संस जो कंपनी में ये सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उस पर्सन को बोलते हैं मैनेजमेंट। कौन कौन से फंक्शन बेटा? प्लानिंग कॉमा ऑर्गेनाइजिंग कॉमा लीडिंग कॉमा कंट्रोलिंग। मींस मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैं ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता हूं तो मेरे को क्या कहला है? मैं क्या कहलाऊंगा? मैनेजमेंट। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये सारे फंक्शंस मेरे साथ एक और पर्सन परफॉर्म करता है तो हम दोनों को क्या कहलाया जाएगा? मैनेजमेंट। तो वापस बोल रहा सर, देयर इज नो एक्ट टू डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डिफाइंड इनटू टू सेंसेस अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल, वन इज अकॉर्डिंग टू पर्सन, वन इज अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स इज नोन एज मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीफ ऑर्गन? सिंगल पर्सन। What is the meaning of key group? Multiple person. What is the meaning of in charge of its affairs? वो chief organ या key group जो organization related क्या लेते हैं decisions, उनको बोला जाता है management. According to function मतलब वो person या वो multiple persons जो ये सारे interrelated functions क्या करते हैं, perform करते हैं,
उस पर्सन या उन मल्टीपल पर्सन को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. सर फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब सबसे पहले कोई काम आया तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करना है, ठीक, और उस काम के लिए कौन कौन से पर्सन को मुझे रखना है. इसका मतलब है सर, प्लानिंग का मतलब है, प्लानिंग का मतलब यहां पे है सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब जो काम आया उसको कितने दिन में कंप्लीट करना है. दूसरा, उस काम को कंप्लीट करने के लिए टीम को फॉर्म करा जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग. दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है उस टीम को काम करने के लिए क्या दी जाएंगी, रिसोर्सेस. रिसोर्सेस को एलोकेट किया जाएगा टीम मेंबर्स को, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. लीडिंग मतलब टीम मेंबर्स को मोटिवेट किया जाएगा, टीम मेंबर्स से बात की जाएगी, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, दैट इज नोन एज लीडिंग. और कंट्रोलिंग मतलब टीम मेंबर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस को, टीम मेंबर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लैंड परफॉर्मेंस के साथ क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा. और अगर कहीं भी डिफरेंस दिखता है तो जो भी करेक्टिव एक्शन है वो करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे. मींस प्लानिंग का मतलब है कोई काम आया उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करवाना है, उसके लिए टीम फॉर्म करी जाती है, उस टीम को रिसोर्सेस दी जाती हैं काम करने के लिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस? टीम को फॉर्म किया है तो बेटा उस टीम को काम करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो चीजें कौन देगा? मैनेजमेंट देगा. उस टीम मेंबर से जो भी टीम के मेंबर है उनसे बात करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उसको बोला जाएगा मैनेजमेंट. फिर टीम मेंबर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाएगा, और अगर डिफरेंस दिखा तो जो भी करेक्टिव एक्शन है वो एक्शन लिए जाएंगे. सर यहां एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब मेरे को काम को कंप्लीट करवाना है 10 दिन में. अब टीम मेंबर ने काम 10 दिन में कंप्लीट नहीं किया तो प्लान परफॉर्मेंस थी 10 दिन, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस 10 दिन से ज्यादा हो गई, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है. और जो भी डिफरेंसेस आते हैं, उन डिफरेंसेस मतलब क्यों नहीं किया गया काम, जिसने काम कंप्लीट नहीं किया प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट क्या लेगा? नेसेसरी एक्शन लेगा. तो वो सिंगल पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो ये चारों इंटरलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट. क्लियर है सर? तो वापस आ रहा हूं सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज डिफाइंड इनटू टू सेंसेस, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन. अकॉर्डिंग टू पर्सन, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, दैट इज हु टेक्स ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस, इज नोन एज मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू फंक्शन, वो चीफ ऑर्गन या वो की ग्रुप जो फॉलोइंग इंटरलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट. फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. व्हाट इज प्लानिंग? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फॉर्मेशन ऑफ टीम. व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट इज लीडिंग? कम्युनिकेशन एज वेल एज मोटिवेशन, दैट इज मोटिवेशन एज वेल एज कम्युनिकेशन विद टीम मेंबर्स. व्हाट इज कंट्रोलिंग? Comparing actual performance with plan performance, and if deviation exists, then take necessary corrective action. So this is what the definition of management. एक बात याद रखना सर, management को सबने अपने according क्या किया, define किया. तो there is no act to define management. कहीं भी management की कोई formal definition नहीं है किसी भी books में. लेकिन हमें जो answer लिखना है अपने module के according लिखना है. आपके मॉड्यूल ने मैनेजमेंट को डिफाइन किया कितने तरीके से? 2 तरीके से, पर्सन के अकॉर्डिंग और फंक्शंस के अकॉर्डिंग. क्लियर है सर? दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी. तो फटाफट अपडेट कर लो बेटा, हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट,
डैश डाल के लिखो सर, डैश डाल के लिखो, पहली लाइन लिखो, पहली लाइन, देयर इज नो एक्ट टू डिफाइन मैनेजमेंट, देयर इज नो एक्ट टू डिफाइन मैनेजमेंट, देयर इज नो एक्ट टू डिफाइन मैनेजमेंट, दैट इज देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. नो एक्ट का मतलब कहीं भी कोई फॉर्मल डेफिनेशन किसी भी बुक्स में नहीं दे रखी है मैनेजमेंट की. तो ये लिखना है देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. पहली लाइन आपने लिखी है देयर इज नो एक्ट टू डिफाइन मैनेजमेंट, दैट इज देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर है? अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, अकॉर्डिंग टू स्टडी, मैं आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू स्टडी मैनेजमेंट इज डिफाइंड इनटू टू सेंसेस. अकॉर्डिंग टू स्टडी मैनेजमेंट इज डिफाइंड इनटू टू सेंसेस. अकॉर्डिंग टू स्टडी मैनेजमेंट इज डिफाइंड इनटू टू सेंसेस, मतलब दो तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया आपके मॉड्यूल ने. तो अकॉर्डिंग टू स्टडी मैनेजमेंट इज डिफाइंड इनटू टू सेंसेस. फर्स्ट लिखो अकॉर्डिंग टू पर्सन, डैश डाल के लिखो, अकॉर्डिंग टू पर्सन डैश डाल के लिखो, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स. अकॉर्डिंग टू पर्सन डैश डाल के लिखो, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, दैट इज हु टेक्स ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस इज नोन एज मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू पर्सन डैश डाल के लिखो, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, that is who takes organization related decisions is known as management. Clear है sir? एक single person जिसको बोलेंगे chief organ, एक से ज्यादा person जिसको बोलेंगे key group, जो क्या करते हैं organization related decisions लेते हैं, जिनको बोल रहे हैं in charge of its affairs, इनको बोलते हैं management. तो ये लिखा chief organ और key group who are in charge of its affairs. That is who takes organization related decisions is known as management. Underline the word chief organ, key group, affairs. Chief organ, key group, affairs. Second point likho, according to function. According to function. Dash aake likho. The term management is also used. According to function में लिखो, the term management is also used with reference to set of interrelated functions. The term management is also used with reference to set of interrelated functions. The term management is also used with reference to set of interrelated functions. That is chief organ or key group who perform. That is chief organ or key group who perform following interrelated functions is known as management. That is chief organ or key group who perform following interrelated functions is known as management. इसका मतलब है सर, वो person या वो group of person जो ये interrelated functions क्या करते हैं, perform करते हैं, उनको बोलते हैं management. तो ये बोल रहा है सर, the term management is also used with reference to set of interrelated functions. That is chief organ or key group who perform following interrelated functions is known as management. Full stop. आगे लिखो, functions includes
फंक्शंस इंक्लूड्स, एबीसीडी करके लिखना, फंक्शंस इंक्लूड्स ए प्लानिंग, आगे डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में है ये सब कुछ, फिलहाल के लिए सिर्फ आपको लिखना है। फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, मैंने आपको समझा दिया प्लानिंग का मतलब कुछ काम आता है तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करना है, दैट इज करना नहीं करवाना है, उस काम को करवाने के लिए कौन कौन मेंबर्स हैं, इन सबको सेलेक्ट करना, दैट इज प्लानिंग। तो ये लिखना है फंक्शंस इंक्लूड्स प्लानिंग ए, दैट इज ए प्लानिंग। बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब टीम को काम करने के लिए रिसोर्सेस का एलोकेशन करना। सी लीडिंग, लीडिंग मतलब टीम मेंबर्स से बात करना, उनको मोटिवेट करना, दैट इज लीडिंग, लीडिंग मतलब लीडरशिप। एंड डी कंट्रोलिंग, टीम मेंबर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, और अगर टीम मेंबर्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो जिस भी टीम मेंबर ने काम नहीं किया उसके अगेंस्ट क्या लेना, नेसेसरी करेक्टिव एक्शन लेना, दैट इज कंट्रोलिंग। ये सारी चीजें बेटा आगे डिटेल में आएंगी, फिलहाल के लिए जस्ट आपको नाम लिखने। तो फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, दिस इज व्हाट योर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा वापस आ रहे, कहां से शुरुआत हुई थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, शुरुआत हुई थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। 1908 में बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इंटरेक्टिव केस स्टडीज देता था अपने स्टूडेंट्स को। उसके बाद 1911 में बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक सब्जेक्ट बिजनेस पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो केस स्टडी बेस्ड सब्जेक्ट ही था। फिर उसके बाद 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस, ये रेगुलेटरी बॉडी है जिसने बिजनेस पॉलिसी को सब मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। लेटर ऑन आफ्टर फ्यू डिकेड्स बिजनेस पॉलिसी जो है वो सारे नेशन में हर मैनेजमेंट कॉलेजेस ने अडॉप्ट कर लिया अपने करिकुलम में, और ये बिजनेस पॉलिसी फ्यूचर में जाके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर आया बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन कहीं भी नहीं गिवन, देयर इज नो एक्ट टू डिफाइन मैनेजमेंट। आपके मॉड्यूल ने मैनेजमेंट को डिफाइन किया दो तरीके से, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। पर्सन में दो पर्सन, एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन। सिंगल पर्सन को बोलेंगे चीफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ पर्सन को बोलेंगे की ग्रुप, जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स इज नोन एज मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू फंक्शन मतलब वो चीफ ऑर्गन या वो की ग्रुप जो इंटरलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट। फंक्शन इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। क्लियर है सर? तो हमने अभी तक दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं आपके चैप्टर नंबर वन के, ये जस्ट कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। इससे आगे का टॉपिक हम लोग करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए जस्ट मैंने आपको बेसिक कुछ बताई थी चीजें, आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 2 आवर्स की रहेगी, ठीक है बेटा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।